हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 7 एंड चैप्टर नेम इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में हम न्यू किंग्स और किंगडम्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि काफ़ी सारे डायनेस्टीज मतलब साम्राज्य 7th century में राइज हुए, काफ़ी नए नए डायनेस्टीज हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे। सब कॉन्टिनेंट मतलब है पहले इंडिया में सब अलग अलग हिस्से, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब इलाका मिलकर सब कॉन्टिनेंट बनता था। इस पूरे चैप्टर में हम 7th से 12th centuries तक पढ़ेंगे। यहाँ पर मैप में भी देखिए, पालास जो थे वो बंगाल वाले एरिया में थे, चामांस राजस्थान वाले रीजन में थे, चंदेलास जो थे वो मध्य प्रदेश वाले रीजन में थे, परमार्स, गुर्जर प्रतियारास और चंदेलास वो मिडल वाले एरिया में मिलेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट हम इस चैप्टर में राष्ट्रकूटास और चोलास के बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम चेरास और पांड्यास के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे जो मैप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे हमारा टॉपिक है द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए नए साम्राज्यों का उदय। 7th century आते आते बिग लैंडलॉर्ड्स यानी के बड़े बड़े ज़मींदार और वॉरियर चीफ्स अलग अलग रीजन में फेमस थे, और उनको सबऑर्डिनेट्स या सामंतास के नाम से जाना जाता था। मतलब सामंत जो किंग के अंडर काम करते थे वो किंग के लिए गिफ्ट्स लेकर जाते थे और किंग को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। और जैसे जैसे सामंता पावरफुल हो जाते थे वो खुद को महासामंता या महामंडलेश्वरा मतलब उस रीजन के कर्ता धर्ता बोलने लगते थे, और जब ये और पावरफुल हो जाते थे तो ये किंग से इंडिपेंडेंट हो जाते थे। एक ऐसा इंस्टेंस जो हमें देखने के लिए मिलता है, एक ऐसी घटना जिसमें ऐसा हुआ था कि सामंत जो है वो जब बहुत पावरफुल हो गया तो उसने किंग से खुद को अलग कर दिया और खुद ही एक किंग बन गया। ये थे राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको राष्ट्रकूटास के बारे में बताया था। पहले राष्ट्रकूटास जो थे वो चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे, और चालुक्यास जो थे वो कर्नाटक के थे। मगर 18th century आते आते जो दंती दुर्गा था, कि जो एक राष्ट्रकूटा चीफ था मतलब एक तरह से हेड था, उसने अपने ओवरलॉर्ड चालुक्य को ओवरथ्रो कर दिया, सत्ता से हटा दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिरण्यगर्भा का मतलब होता है गोल्डन वॉर्म, यानी एक सोने की कोप से पैदा होना। तो यहाँ पे ब्राह्मण एक रिचुअल परफॉर्म करते थे, अगर बाय बर्थ आप क्षत्रिय नहीं है तो हिरण्यगर्भ एक रिचुअल यानी हवन यज्ञ जैसा होता था। उससे ऐसा होता था कि जो ये यज्ञ कर रहा है उसका दोबारा से बर्थ हुआ है एज अ क्षत्रिय, और अब वो राजा बन सकता है। काफ़ी सारी और भी फैमिलीज थी जिनकी मिलिट्री स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने भी अब खुद को किंगडम से हटा लिया। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है कि कदम्ब मयूर शर्मन और द गुर्जर प्रतियारा हरिश्चंद्र के जो ब्राह्मण थे, हु गेव अप दैट ट्रेडिशनल प्रोफेशन, मतलब ये अपना सब प्रोफेशन छोड़ के किंग बन गए थे और अपना किंगडम बना लिया था कर्नाटक और राजस्थान में। कर्नाटक में कदम मयूर शर्मन और प्रतिहार हरिश्चंद्र जो राजस्थान में राज करने लगे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। कामकाज किस तरीके से चलता था किंगडम में। बहुत सारे किंग्स थे जो बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट करने लगे थे, जैसे महाराजाधिराज मतलब ओवरलॉर्ड, और त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब हिंदू शास्त्र में जो तीन वर्ल्ड भुवन के राजा। मगर कभी कभी इनके जो क्लेम है वो बहुत ही खोखले होते थे, क्योंकि राजा अब सामंत के साथ काफ़ी ज़्यादा पावर शेयर करने लगे थे, और भी राजा अपनी पावर पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ शेयर करते थे। हर स्टेट में रेवेन्यू ऑब्टेन किया जाता था। रेवेन्यू का मतलब है टैक्स। ये किस किस से लिया जाता था, किसान, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस यानी वर्कर्स। अब टैक्स में भी वो जो प्रोड्यूस करते थे वो दे, या फिर वो जो काम करते थे उसमें कुछ पार्ट दे दे। कई बार वो जो लैंड पे रहते थे उसका उनको रेंट देना पड़ता था, और ट्रेडर्स व्यापारी जो थे उनको पैसे देते थे रेवेन्यू में। 400 taxes चोलास के जिन्होंने तमिलनाडु को रूल किया था, उन्होंने इंस्क्रिप्शन में लिखा था रिफर टू मोर देन 400 terms फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। मतलब चोलास जो थे वो अलग अलग 400 तरीके के टैक्स लगाते थे। सबसे ज़्यादा जो टैक्स मेंशन होता है वो है वैटी, जो पैसे में नहीं लिया जाता था बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, कदमाई और लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ अ लेडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, फैमिली प्रॉपर्टी, ऐसे अलग अलग तरीके के वो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे।
ये रिसोर्सेज यानी कि ये जो पैसा लिया जाता था राज्य के लोगों से, ये किंग के एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज होता था, मतलब वेल बनाने के लिए, टेम्पल्स और फोर्ट्स बनाने के लिए, और लड़ाई लड़ने के लिए भी ये टैक्सेस या रिसोर्सेज यूज होते थे। जैसे जैसे राज्य बढ़ता था वैसे ट्रेड रूट भी बढ़ते थे। फंक्शनरीज रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब जो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से थे, मतलब काफ़ी अमीर थे, या तो उनकी जो पोजीशन होती थी वो हेरिडेटरी में मिलती थी, मतलब किंग के जो रिलेटिव्स होते थे ये उनको सारे काम दिए जाते थे। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, अब आगे है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति मतलब किंग जो अपनी प्रशंसा करवाने के लिए लिखवाते थे कि किंग कितना वैलियंट विक्टोरियस है, तो इस तरीके की बातें लिखवाई जाती थी। और ये प्रशस्तीज लर्नेड ब्राह्मण्स लिखते थे और वो राज्य के कामकाज में भी मदद किया करते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, काफ़ी सारे रूलर्स अपने अचीवमेंट्स प्रशस्ति में लिखवाते थे। जैसे लास्ट ईयर आपने गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी गई थी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली थी, उसमें लिखा था कि कैसे नागभट्टा ने प्रतिहार किंग को लूटा और कितने सारे इलाके उसने कवर किए, और उसने बहुत सारे किंग को हराया था जो नॉर्थ और साउथ की साइड से थे। और किंग जो थे वो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट का रिवॉर्ड देते थे, मतलब जमीन का एक टुकड़ा देते थे और ये कॉपर प्लेट में लिखवा के देते थे। अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम, मतलब कि हमें कश्मीर से जो पोएम मिली है कि जो कल्हन ने लिखी है, उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस डॉक्यूमेंट्स आई विटनेस के बारे में लिखा है। कल्हन ने इसमें किंग्स की बुराई भी की है, मतलब उनको क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, मतलब पैसों के लिए लड़ाइयाँ होती थी, अमीरी के लिए लड़ाइयाँ होती थी, जमीन कंट्रोल करने के लिए, टेम्पल्स को लूटने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, पर्टिकुलरली कनौज की जो सिटी थी गंगा वैली, जहाँ से गंगा बहती थी वहाँ पे एक एरिया है कनौज, वहाँ पे अच्छी खेती होती थी, अच्छा रेवेन्यू मिलता था, तो काफ़ी सारे लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूटा पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कनौज, ये थ्री पार्टीज, इनको हम थ्री पार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। आगे के पेजेस में हम देखेंगे कि रूलर्स जो है वो अपनी पावर कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बना के, और जब इनके इलाके पे अटैक होते थे तो सबसे पहले टेम्पल्स पे ही होते थे, क्योंकि टेम्पल्स काफ़ी रिच और वेल्दी होते थे। इसके बारे में हम आगे चैप्टर 5 में भी देखेंगे। इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो फेमस रूलर है वो है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी फ्रॉम अफगानिस्तान। उसने 997 से 1030 तक रूल किया और उसने अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में एक्सटेंड किया। और ये इंडिया को लगभग हर साल अटैक करता था और ज़्यादातर वेल्दी टेंपल्स पे अटैक करता था। गुजरात के सोमनाथ टेंपल को भी इसने लूटा है, और ये जो वेल्थ लेके जाता था वो गजनी में स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी बनाने में लगा दी। सुल्तान महमूद जो उसने जीता है उसके बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड था, और उसके बारे में एक स्कॉलर है अल बरूनी, उसको सुल्तान महमूद ने कहा कि तुम इंडिया के बारे में लिखो, और अल बरूनी ने अरबिक में किताबुल हिंद लिखा था, और हिस्टोरियन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स रहा है। अल बरूनी ने संस्कृत के स्कॉलर से कंसल्ट किया था अपनी किताब को लिखने से पहले। अब आता है अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर, मतलब कि सुल्तान के अलावा भी बहुत सारे किंग्स थे जो कि वॉरफेयर में, लड़ाइयों में लगे रहते थे। वो थे चामांस के, जो दिल्ली और अजमेर को रूल करते थे। उन्होंने वेस्ट और ईस्ट में भी अपना शासन एक्सपांड करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको गुजरात के चालुक्यस और गाढ़वालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उन्होंने इनको अपोज किया, रेजिस्ट कर लिया। और बेस्ट नॉन जो चामन है वो है पृथ्वीराज 3 1168 टू 1192 के, जिन्होंने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था, पर उसके नेक्स्ट ईयर ही मोहम्मद गौरी ने इनको मार दिया इन 1192। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक द चोलास। यहाँ पे मैप में आप चोलास का जो रीजन है वो देख सकते हो। साउथ इंडिया में चोलास काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर थे, फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। तो किस तरीके से चोलास पावर में आए थे, ये पहले माइनर चिफली फैमिली थे जहाँ पे कावेरी नदी डेल्टा बनाती है, वहाँ पे ये पावर हेल्ड करते थे, और ये मुतरैयार के नाम से जाने जाते थे। कांचीपुरम के पल्लवास के ये अंडर आते थे, विजयालय ये फाउंडर थे, हु बिलोंग टू द एंशियंट चिफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयूर।
इन्होंने पूरा मुत्तरयार वाला रीजन कैप्चर कर दिया 9th सेंचुरी के मिडल में। इन्होंने मतलब विजयालया ने थंजावुर का टाउन बनाया और इन्होंने गॉडेस निशमसुदिनी का टेंपल यहाँ बनाया था। अब विजयालया के जो सक्सेसर थे इनका जो आसपास का इलाका था वो कैप्चर कर लिया और इनका किंगडम बढ़ने लगा और ये पावरफुल हो गए। राजाराज वन वो सबसे पावरफुल चोला रूलर माने जाते थे। ये 985 में किंग बने थे और काफ़ी सारे एरिया में इन्होंने अपना कंट्रोल फैला दिया था। राजाराज के जो बेटे थे राजेंद्र वन, उन्होंने आधा इंडिया कवर कर लिया था और इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। गंगा वैली, साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया वगैरह जगहों पे इन्होंने अपना पावर एक्सटेंड किया था। स्प्लेंडिड टेंपल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में काफ़ी बड़े बड़े टेंपल्स बनाए गए, वो राजा राजा और राजेंद्र वन के द्वारा बनाए गए थे जो आर्किटेक्चरल में बहुत ही सुंदर थे। चोला टेंपल्स जो है वो न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट्स बन गए। इसके आसपास बहुत डेवलपमेंट होने लगा जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्टिसंस एट्सेट्रा, और इसी तरह टेंपल्स जो थे वो इकोनॉमी का सेंटर बन गए और टेंपल्स के लिए राजा लैंड भी देते थे और दूसरे लोग भी खूब दान देते थे। अब ये टेंपल्स में से जो पैसा आता था वो स्पेशलिस्ट को दिया जाता था कि जो ये टेंपल में काम किया करते थे, जैसे प्रिस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स वगैरह। अदर वर्ड्स में हम कहें तो टेंपल्स सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, दे वर द हब ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। टेंपल्स में बहुत सारे काम होते थे, उसमें से एक था ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाना, और चोलास की जो ब्रॉन्ज इमेजेस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और सिर्फ भगवान की नहीं लेकिन डिवोटीज के मतलब भक्त के भी स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। अब चोलास ने एग्रीकल्चर और इरीगेशन मतलब खेती और सिंचाई पर भी बहुत ध्यान दिया था। इनके वहाँ जो कावेरी नदी थी उसकी वजह से खेती बहुत अच्छी होती थी, बहुत सारी ब्रांचेस थी कावेरी नदी की, ये चैनल्स जब ओवरफ्लो हो जाती थी तो काफ़ी सारी फर्टाइल सॉइल किनारों पे जमा करती थी, और नदियों से जो पानी है वो एग्रीकल्चर के लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए पर्टिकुलरली बहुत पानी प्रोवाइड होता था। एग्रीकल्चर जो है वो दूसरे पार्ट्स में भी काफ़ी डेवलप हो चुका था और 6th सेंचुरी में इन एरियाज़ में कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ, जब फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और जो लैंड थी उसे लेवल में किया गया और पानी और ज़्यादा फ्लड रोकने के लिए एम्बैकमेंट्स भी बनाए गए, कैनल्स कंस्ट्रक्ट हुए और एक साल में ये 2 फसलें उगाने लगे। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता था कि नदी के पानी से काम नहीं चलता था तो इरिगेशन के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स भी यूज़ होते थे। कई प्लेसेस पे कुएं खोदे जाते थे और टैंक्स बनाए जाते थे रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। हमें याद रखना है कि इरिगेशन के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लेबर्स और रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, और ये सब काम को मेंटेन करना पड़ता है। दैट हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब एम्पायर में कामकाज कैसे चलता था, सेटलमेंट्स जो होते थे जहाँ पर पीजेंट्स रहा करते थे उनको उर कहा जाता था। जब खूब अच्छा इरिगेशन होता था तो ये लोग प्रॉस्परस हुए, ये जो विलेजेस का ग्रुप होता था इनके बड़े यूनिट होते थे और ये यूनिट मिलके नाडू बनता था। नाडू में काफ़ी सारे मीटिंग्स होती थी और इसमें डिसाइड किया जाता था कि कामकाज कैसे चलेगा और लोगों को जस्टिस कैसे दी जाएगी, टैक्स कैसे कलेक्ट करे जाएंगे, ये सारा वर्क नाडू में होता था। जो काफ़ी ज़्यादा रिच पीजेंट्स थे वेलाला कास्ट से, ये काउंसिल्स से काम के कंट्रोल करते थे। नाडू सुपरविजन के अंडर चोला की सेंट्रल गवर्नमेंट में चोला किंग्स जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनको टाइटल दिया करते थे, जैसे मुवेंड वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, जो अलग अलग किंग्स को सर्व करते थे, जैसे कि उरैयार यानी के चीफ, और इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट काम वगैरह भी दिए जाते थे। अब है टाइप्स ऑफ लैंड, जिसमें आप देखिए ब्रह्मदया जो ज़मीन ब्राह्मण्स को दी जाती थी, शालाभोगा जो ज़मीन स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी, और देवदाना तिरुनामत्तुकन के जो ज़मीन टेंपल्स बनाने के लिए गिफ्ट की जाती थी, पल्ली चंदनम जो जैनास के इंस्टीट्यूशन को दी जाती थी, और वेल्लन वेगाई जो नॉन ब्राह्मण्स को दी जाती थी। हमने देखा कि ब्राह्मण्स जो थे वो लैंड ग्रांट रिसीव करते थे जिसको ब्रह्मदया बोलते थे।
इससे क्या होता था कि ब्राह्मण सेटलमेंट्स इनरेज्ड इन कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. ब्राह्मण्स को दिया जाने वाला जो लैंड था उसको पूरी असेंबली मिलकर देखती थी कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, और ये असेंबली काफ़ी एफिशिएंटली काम करती थी और इनके डिसीजंस अच्छे से लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शन पे और कभी कभी टेंपल्स के वॉल्स पर या तो स्टोन पर. यहाँ पर जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन था वो नगरम से जाना जाता था कि जो टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे. अब जो तमिलनाडु का उत्तर मेरू है उसमें चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट से हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं. इसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह से सभाएं ऑर्गेनाइज होती थी, किस तरह से इरिगेशन वर्क होता था, गार्डन्स टेंपल्स वगैरह में किस तरह से काम होता था. पाम लीफ की टिकट्स बनती थी और जिसको ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेना था उसका नाम इस पर लिखा जाता था और उसे टोकरी में रख दिया जाता था, और एक लड़का आके वो लीफ यानी टिकट निकालता था और जिसका नाम आता था वो कमेटी में सिलेक्ट होता था. इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट. अब उत्तर मेरू में सभा का मेंबर कौन बन सकता था? तो ऐसा इंसान जो लैंड का ओनर हो, जिसका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, उसका खुद का घर होना चाहिए, उसकी एज 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए, उसको वेदों यानी वेदास का नॉलेज होना चाहिए, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव काम आना चाहिए, और जो 3 साल तक लगातार मेंबर रहा है वो कमेटी का मेंबर ही नहीं बन सकता है. इंस्क्रिप्शंस हमें काफ़ी सारे किंग और पावरफुल मैन के बारे में बताते हैं. पेरियापुरम जो एक इंस्क्रिप्शन है जो हमें कॉमन मैन के बारे में बताता है. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदानूर उसमें हेमलेट ऑफ पुलैयाज मतलब एक छोटा सा ग्रुप जिनको आउटकास्ट मतलब नीची जाति का समझा जाता था, वो अपनी हट्स में रहते थे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं. तो जो पुलैयाज हैं वो तमिल वर्क है, उसमें नीची कास्ट के बारे में बताया गया है. अब हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. आपको फिर से चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है. थैंक यू.